हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? एक वापस से नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों अभी टाइम 7:07 बजने को भाई, और अभी सर्दियों में सीन ऐसा रहता है ना, सुबह सुबह जो है लेट सुबह होती है ना, मतलब 7 बजे में तो 6:30 बजे जाग जाता हूँ, लेकिन कंबल में ही रहता हूँ क्योंकि बाहर से ठंड का माहौल भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो दिल नहीं करता है सुबह सुबह ऊपर उठने का। तो अभी दोस्तों चाय वगैरह मैंने हल्की पी ली, रेडी हो चुका हूँ मैं ड्यूटी जाने के लिए, तो अब यहाँ से निकलते हैं। बाकी निर्जू भी यहीं पे हैं, कपड़े भी धोए हुए थे कुछ कल, तो अब चलेंगे हम ड्यूटी, क्योंकि ड्यूटी जाना भी आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, डेली जाना पड़ता है ड्यूटी, है ना। घर पे बैठेंगे तो फिर खाएंगे कहाँ से, बाकी आपको पता है डैडी की तबीयत भी ख़राब है, डैडी भी चंडीगढ़ में भाई, मम्मी भी जाएंगे 1-2 दिन तक शायद डैडी के पास, और भाई है वहाँ पे, पहले सिस्टर भी थी लेकिन सिस्टर वहाँ से चंडीगढ़ से आ गई, तो अब मम्मी ने जाना है क्योंकि डैडी भी उदास हो गए। पता है एक जीवन साथी जो है ना वो ऐसे नहीं रह सकते, हम तो अभी चलो छड़े, मतलब हमने शादी वगैरह नहीं की, लेकिन जो शादीशुदा होते हैं ना वो ऐसे नहीं रह सकते, प्यार मोहब्बत होती है ना, और वो तो आपको पता है बुजुर्ग है, डैडी अपने बुजुर्ग है, मम्मी भी बुजुर्ग है, बूढ़े बूढ़े, तो अब पुरानी उनको अटैचमेंट है ना दिल से, जो उन्होंने 30-40 साल जो है अब साथ में काटे हुए हैं। दोस्तों रोड पर आ चुके हैं, लेकिन भाई हवा इतनी ठंडी पड़ती है ना सुबह सुबह मुँह को, और पानी भी ठंडा रहता ना घर पे, लेकिन मम्मी जो है पानी सुबह गर्म कर लेते हैं। आपको पता है बुजुर्ग लोग जो है ना, कोई भी बुजुर्ग इंसान है, हम तो जवान है, हमें नींद नहीं खुलती है, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं ना उन्हें नींद नहीं आती है। मम्मी 5 बजे उठ के पानी चढ़ा लेते हैं, फिर वो आराम आराम से हो जाता है, गर्म हो जाता है, मतलब जब तक हम जागते हैं। तो यहाँ पे मिथुन भाई की भी गाड़ी है, मिथुन भाई का रूम यहाँ ऊपर है वहाँ उस घर पे, तो बाकी गुलजार उस्ताद का टिप्पर भी यहाँ पे खड़ा है, और रोडों पे देखिए भाई मैं अकेला ही चल रहा हूँ, है ना, अपने साथ तो कोई भी नहीं चल रहा है सुबह सुबह, सुबह छोड़ के कभी चलता ही नहीं है भाई, भाई अकेला ही चलता है, कहीं भी जाता है अकेला ही जाता है। तो दोस्तों आ चुके हैं हम यहाँ पे अपने पार्किंग में, विशाल भाई की गाड़ी में आए हुए थे। विशाल भाई क्या हाल है साहब? बढ़िया हो? आगे साहब? आगे चलो, मशीन भी जा रही है, सबसे पहले आज आपका ही नंबर है ना, हम भी आएंगे जनाब, अभी हम गाड़ियों का तेल पानी चेक करेंगे उसके बाद ही आएंगे। हमारे चाचू जी अपना डंपर यहाँ पे खड़ा है और दूसरे चाचू जी के डंपर यहाँ पे। चाचू क्या हाल है? बस ठीक है। आगे आप भी? आगे आगे, अभी तेल पानी चेक करेंगे उसके बाद गाड़ियों को कोल स्टार्ट करेंगे, है ना, चले फिर चले चले। चाचू हमारे कर रहे हैं अब गाड़ी को स्टार्ट। हाँ चाचू, शूज को क्या आज पॉलिश तो करवाई, लगता है चेहरे की पॉलिश डाली हुई है, है? क्या कौन सी पॉलिश है? गिर गया यार मैं अभी। कहाँ गिरे? लगी तो नहीं? नहीं, ठंड है ना, ठंड में काफी ज्यादा लगती है। चलो करो गाड़ी को स्टार्ट, बाकी ऑयल पानी तो चेक कर लिया हुआ है, अभी हमने ऑयल पानी यहाँ से चेक कर दिया, तो अब हम गाड़ी को चाबी ढूंढेंगे भाई गाड़ी की। ये हमारा लॉक कोड है BA 800 गाड़ी का कोड होता है कंपनी में, हर कंपनी में ऐसा होता है ना। एक्सेवेटर जो है विशाल भाई की गाड़ी भर रहे हैं, बाकी तनवीर भाई की जो गाड़ी है लोडर वो भी यहाँ पे आ चुका है, काफ़ी दिन के बाद आया हुआ है ना, तो अभी हम गाड़ी को खोलेंगे और गाड़ी को करेंगे हम कोल स्टार्ट। ये देखिए भाई चढ़ेंगे ऊपर, तो अभी हम गाड़ी में चाबी लगाएंगे, चाबी को करेंगे हम ऑन, ये हो गई ऑन, 4x4 का स्विच ऑन था, इसको ऑफ किया, जब तक ना भाई सुइए वापस आए टक टक चक्कों को ना हो तब तक गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना चाहिए, तो अब हम गाड़ी को करेंगे फाइनली स्टार्ट। देखो गाड़ी ठंड में ना काफ़ी ज़्यादा लंबा राउंड लेती है ना, ठंड भी ना, ठंड की वजह से गाड़ी को भी कोहरा लग जाता है, और गाड़ी आपको पता नाले में रहती है, यहाँ पे कोहरा काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। परसों टैंकर वाले भाई ने पानी डाला और यहाँ पे आप देखते ना 5 मिनट में भाई कोहरा लग गया, क्या कोहरा। तो अब दोस्तों कोल स्टार्ट हो चुकी है गाड़ी, थोड़ी देर के बाद जो है हम आज तो यूरिया भी डालना, भाई यूरिया का एक ही पॉइंट बचा हुआ है, यूरिया हम गाड़ी में डाल देंगे अभी, बाकी देखो भाप बना हुआ है, ये कोहरा जमा हुआ था लेकिन अभी हल्का हल्का मतलब रोशनी हो गया, सनलाइट पड़ने लगा तो यहाँ पे कोहरा पिघलने लगा है, ये देखो सब शीशू पे है। चाचू की गाड़ी जो है लोडिंग पे लग चुकी है, विशाल भाई लोड करके चला गए, बाकी मिरर वगैरह देखो मैंने साफ कर लिए सभी साइड मिरर, गाड़ी का ऑयल पानी भी चेक कर लिया, बाकी हल्का फुल्का कपड़ा भी अंदर से मार लिया, बाकी आपको पता है ये रही गाड़ी में लॉक बुक आपको इंप्रोटेक्ट की, तो यहाँ पे जो है ये भरनी पड़ती है, जैसे इक्विपमेंट लॉग नंबर है
टाइप अपना हिसाब से लिखना पड़ता है, डे शिफ्ट किसकी है, किलोमीटर और हावर्स लिखने पड़ते हैं और टाइम टेबल लिखना पड़ता है, और इस पे लिखना पड़ता है भाई कितने ट्रिप आपके दिन में लग रहे हैं। सो फाइनली अपना नंबर पे आ चुका है, सजाद भाई जो है लोड कर रहे हैं, जब पास आएंगे सजाद भाई से भी आपको मिलवाएंगे। बाकी हमारे ऑपरेटर जी हैं, क्रशर प्लांट के ऑपरेटर हैं, तनवीर भाई भी नीचे से आ रहे हैं ना, बाकी दूसरे भाई भी हैं यूपी से हैं और ये शायद बिहार से हैं। तो दोस्तों निकल चुके हैं यहाँ से, ट्रिप तो लोड कर लिया हुआ है, बाकी देख रहे हैं आप यहाँ पे सैंड एग्रीगेट वगैरह, वो रोड देखिए कैसी उतराई में है ना, डंपर चलते ही ऐसी जगहों पे मतलब रिस्की जगहें होती है जहाँ से डंपर चलते हैं ना भाई। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अपना बॉडी वाला 10 चक्का 12 चक्का 14 चक्का चढ़ना काफ़ी मुश्किल रहता है। ये डंपर जो होते हैं भाई 4x4 होते हैं, इनका स्विच भी दिया होता है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है इनका स्विच, तो इस स्विच को लगा के ना ये बहुत आसानी से चढ़ जाते हैं। तो पहुंच गए हाईवे पे, भाई मिल गए हुए थे, कैसे हो, क्या हाल है, ठीक हो, कहाँ जा रहे हो? वर्कर कैंप। वर्कर कैंप वहीं पे काम पे जी, ड्यूटी वहीं है। हाँ। तो ये जो है कहाँ रहते हो आप? भाटा में। नहीं ऐसे कहाँ के रहने वाले? बिहार का। बिहार के भाई, तो यहाँ पे जो है वर्कर कैंप में काम करते हैं, कंपनी में ही है। तो बाकी दूसरे भाई भी कुछ जो है प्राइवेट ठेकेदारी पे रहते हैं, वो तो 9 बजे आपको पता है ऐसे प्राइवेट काम जो है 9 बजे चालू होता है। तो यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों सामने जो है टनल का काम लगा हुआ है, हमारी कंपनी का ये है भाई, हम इस पोर्टल में काम करते हैं और ये जो साइड है ये वेस्ट पोर्टल की साइड है। तो यहाँ पे देखो पूरे मतलब कि हर एक फैसिलिटी कंपनी में, हर एक चीज़ होती है, हर सुविधा मिलती है यार कंपनी में। तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं न्यू डंपिंग यार्ड में, यहाँ पे आज वेस्टेज लेके आए हुए हैं, क्योंकि ये जो रोड है ना इस पे डालना है, पहले GSP डालना है। बाकी चाचू की गाड़ी आई हुई थी, न जाने कहाँ पे चाचू, देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है, इन चढ़ाई में आम गाड़ी भी नहीं चढ़ सकती है ना, कोई कोई गाड़ी चढ़ेगी, डंपर वगैरह चढ़ते, बाकी कोई गाड़ी आम नहीं चढ़ती है। तो यहाँ पे है हमारा न्यू डंपिंग यार्ड, स्टॉक यार्ड, यहाँ पे हम मतलब कि माल वगैरह को रखते हैं, एम सैंड भी रखी हुई है, डस्ट भी बजरी के लिए जो है, एग्रीगेट के लिए वो अलग जगह है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये हमने लाई हुई है GSB अभी, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक बिछानी है, नीचे से GSB को बिछाएंगे। तो चाचू गए हुए बाथरूम, तो चाचू की गाड़ी को तब तक मैंने सोचा मैं अनलोड कर लूँ। बाकी भाई आपका पता है देखो मुसीबतों का सामना करना पड़ता है भाई, को कुछ भी है ना करना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखिए MCN का डैम्प लगा हुआ है, तो अभी चाचू की गाड़ी स्टार्ट है, अब चाचू की गाड़ी में चढ़ चुके हैं और वहाँ पे अनलोड करेंगे। तो अब हमें जाना है दूसरे डंपिंग यार्ड में गाड़ी को मोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी मोड़ नहीं सकती है। तो ये वाला जो है डंपिंग यार्ड, यहाँ पे सिर्फ एग्रीगेट रखा हुआ है, तो यहीं से हम अपनी गाड़ी को अब मोड़ेंगे, है ना। देखो यहाँ पे टायरों के निशान तो दिख रहे होंगे आपको कि गाड़ी है जो ऑलमोस्ट यहीं से सभी मुड़ती है। तो दोस्तों जा रहे हैं वापस, सबसे लंबा ट्रिप है भाई कंपनी का ना, 7 किलोमीटर का है, और हमारे भाई भी यहाँ से आ चुके हैं पंडित जी, अभी इनसे जाने की कोशिश करेंगे कि ये रोलर लेके कहाँ दर बदर चलते हैं ना। पंडित जी क्या हाल है? बढ़िया, कहाँ जा रहे हो? हमारे इलाके जा रहे हो? आपके इलाके में जा रहे हैं, थोड़ा कंपेक्शन करेंगे। अच्छा करना पड़ेगा, करेंगे। आ रहे। ओके सर, ओके। यहाँ से भी दोस्तों काम लगा हुआ है शॉर्टकट का, तो यहाँ पे ये रहा कंप्रेशर, बाकी वाटर टैंक यहाँ पे रहे। यहाँ से भाई अपनी कंपनी का ही काम है, थोड़ा सही एरिया है जहाँ से अपनी कंपनी काम करेगी, और कंटेनर यहाँ पे आया हुआ है फरीदाबाद टू श्रीनगर वंशदीप लिखा हुआ है गाड़ी पे, ये यहाँ पे अपनी कंपनी का माल लेके आया हुआ है, 1-2 दिन से अभी अनलोड नहीं हुआ, न जाने कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी लाइफ में सॉरी कंपनी में, इसलिए। तो दोस्तों पहुँच गए मार्केट में, फिर से हम क्रशर की तरफ जा रहे हैं। आज तो तनवीर भाई ने एक नए तरीके के साथ गाड़ी को लगाया हुआ है, गाड़ी मतलब आमने सामने की हुई है, और लोडर देख रहे हो यहाँ से माल डाल रहा है, बिल्कुल रोड को बंद कर दिया।
तो दूसरा ट्रिप लेके जा रहे हैं दोस्तों, लेकिन आज कुछ मौसम भी ठंडा है, लगता है बारिश आ जाएगी आज या रात में बारिश आ जाएगी, फिर तो ठंड जो है काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। बाकी चाचू भी आगे आगे चल रहे हैं, आज तो हम दोनों साथ में चल रहे हैं क्योंकि लंबा ट्रिप रहता है ना, कंपनी का सबसे लॉन्ग ट्रिप है भाई। देखिए व्यू चेक करें आप, काफी मस्त व्यू देखने को आपको मिलेगा। बाकी आपको पता है अपनी कंपनी की स्पीड भाई 20 की रहती है, मैंने अभी नहीं की हुई है, मैं चलता ही इसी स्पीड से हूँ। यूरिया के लिए भी सर को बताया हुआ है, यूरिया भी जो है थोड़ी देर तक आ जाएगा, ये गाड़ी अपने असर चलती है भाई। तो आज हम यहाँ पे ये लेके आए हुए थे, यहाँ पे ये कंपैक्टर इसलिए और जेसीबी इसलिए आई हुई है कि यहाँ पे जीएसबी डल रही है। आशीष भाई जीएसबी डलनी चाहिए थी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ये लाल सॉइल है और यहाँ पे बारिश होने पे बहुत सारा स्लिप हो सकता है, इसलिए पहले सेफ्टी का काम कर दिया है हमारी कंपनी। बिल्कुल काफी बढ़िया किया है ना, जीएसबी से गाड़ी भी आसानी से ऊपर चढ़ेगी।